तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी को गाइस कैसे परमानेंटली गाइस डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक कर देखें, तभी आप अपनी आईडी को परमानेंटली गाइस डिलीट कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नया तो गाइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साइड में दिए बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को गाइस ओपन करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले आ जाना है अपने प्रोफाइल पिक के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस आपने यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग में जाना है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं गाइस, यहां पे आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो सेकंड वाले नंबर पे आपको एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस आपने यहां पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है सबसे पहले डिलीट योर अकाउंट को। अगर आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गाइस। मेरे को यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पर डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक मिलता है यहाँ पे डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आता है तो आपने फॉलो लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो आईडी होगी आपने गाइस वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो गाइस आपने यहाँ पे कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं 2 मिनी एड्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे भर लेना है गाइस। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने आईडी का पासवर्ड भर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा गाइस अपने। तो गाइस इसी तरीके से अगर आपको अपने इंस्टाग्राम के नेम को स्टाइलिश नेम में चेंज करना है तो गाइस ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना।